पिछले टेस्ट में यानी टेस्ट नंबर 14 में मैंने आपसे यह सवाल पूछा था, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल की? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है अहमदाबाद आंदोलन। हाय एंड हेलो, दिस रितेश, वेलकम टू क्लास हो। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चन। गाइज, जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं। तो जीके जीएस को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप उसको रिविज़न कीजिए। जीके का टेस्ट देकर आप जान सकते हैं कि आपको कितना याद है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने खान सर के ये वाले बुक से लिया है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब क्लास हो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। यह है टेस्ट नंबर 15। अगर अभी तक आपने सारे टेस्ट नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में। देखिए, ऐसे सवाल बहुत बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने आंसर मार्क किया हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर या फिर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन है पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या फिर ऑप्शन नंबर डी यूरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को, एडा लवलेस को, टिम बर्नर्स ली को या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टीव बोएंजेक को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस को। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। टॉम सायर के लेखक हैं मार्क ट्वेन, लियो टॉल्स्टॉय, रस्किन बॉन्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी जोनाथन स्विफ्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्क ट्वेन। देखिए, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में किया गया? 57, 59, 61 या फिर 63। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन। अगला सवाल है, हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया? यूनानी, रोमवासी, चीनियों या फिर अरबों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने।
अगला सवाल है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे लंबा होता है? ऑप्शन है हरा, पीला, नीला या फिर ऑप्शन नंबर डी, लाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1931 में, 1947 में या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। इसका सही आंसर है 1931 में, और ये क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अगला सवाल है, किसको सात पर्वतों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन है लंदन, रोम, वाशिंगटन या फिर ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 44 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44 किलोमीटर, 44। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? अकबर, जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी, औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 18, एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस या फिर कंट्रोल पेज अप या फिर ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल पेज डाउन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस स्पेस। मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? दांत, टॉन्सिल्स, लीवर यानी कि यकृत या फिर ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉन्सिल्स।
इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? ऑप्शन है पैंक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, गॉल्ड ब्लैडर या फिर लीवर। सही आंसर है ऑप्शन ए पैंक्रियाज। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, जिगर, पीयूष या फिर ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय। और ये देखिए एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है पित्ताशय। सवाल नंबर 22। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, ग्लाइकोजोन में, ग्लूकोज में या फिर अमीनो अम्ल में या ऑप्शन नंबर डी वसायुक्त अम्ल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज में। 2018 में आया हुआ सवाल है ये। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन, जठर संबंधी दोलनी या फिर अनुशीथलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्माकुंचन। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड या फिर ऑप्शन नंबर डी जिंक सल्फाइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम नाइट्रेट। जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु राम सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन कवर किए हैं इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आप कमेंट करके बताइए आपका कितना मार्क्स आया है और साथ में ये क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये सीरीज़ कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट करके बताइए। सारे टेस्ट जरूर देखिए, रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, आपका मार्क्स कितना आया।